गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आजकल हम रूबरू कर रहे हैं जेस्चर्स। जेस्चर्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक तरीका है जिसमें पेशेंट इशारे करता है, अंग संकेत होते हैं, उसके तरह तरह के हाव भाव होते हैं। वो बोले बिना, स्पीच के बिना, वर्बल कम्युनिकेशन के बिना इशारे करके अपनी बात, अपने व्यूज़, अपने विचार रखता है। सो, कुछ रूब्रिक्स हमने कल किए थे, आज भी उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए आज भी हम जेस्चर्स के नीचे रूब्रिक करेंगे। जेस्चर्स मेक्स पेशेंट तरह तरह के अंग संकेत करता है, कुछ मांगने के लिए, अपनी बात कन्वे करने के लिए, कुछ पूछने के लिए, कुछ कहने के लिए, कुछ करने के लिए। सो, पहला रूब्रिक आज का है जेस्चर्स मेक्स चाइल्डिश, बच्चों की तरह। बहुत बार बड़े लोग भी बच्चों की तरह बात करते हैं या बच्चों की तरह अपने अंग संकेत करते हैं, जैसे मुंह बना लेना या कुछ उस तरह से इशारे करना जैसे बच्चे करते हैं, ऊ करके ऐसे बातें करना, या जैसे मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहूँगा, इस तरह के भाव प्रकट करने जो चाइल्डिश हों, जो मैच्योर लोग जिस तरह के नहीं करते, जो बच्चे करते हैं। सो, इस तरह जेस्चर्स मेक्स चाइल्डिश। वो बच्चों की तरह बोल भी सकता है, बच्चों की तरह एक्ट भी कर सकता है, बच्चों की तरह चीज़ें भी मांग सकता है, संकेत, अंग संकेत कर सकता है। इस रूब्रिक में हमारे पास दो मेडिसिन्स हैं, एनाकार्डियम एंड विरेट्रम। नेक्स्ट रूब्रिक है जेस्चर्स मेक्स कॉशन मोशंस एज ऑफ, मोशंस एज ऑफ कॉशन। कॉशन होता है संभोग। इस तरह की पेशेंट मोशन करता है, हिलता जुलता है, जैसे संभोग में की जाती हैं। इस तरह के जेस्चर्स होते हैं, इस तरह की मोशन होती है। तो यहाँ पर हमारे पास दो मेडिसिन्स हैं, कॉस्टिकम एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट रूब्रिक है कंफ्यूज्ड जेस्चर्स मेक्स कंफ्यूज्ड, जैसे वो उलझा हुआ है, कोई कंफ्यूजन है, कोई बात समझ नहीं लग रही, इस तरह से उसके जेस्चर्स होते हैं। माथे पर फ्राउन आ जाता है कि कैसे करेंगे या किस तरह से होगा, इस तरह के कंफ्यूज्ड, जैसे वो कंफ्यूज्ड है। इस रूब्रिक में हमारे पास दो मेडिसिन्स हैं, एकोनाइट एंड सिलिशिया। नेक्स्ट रूब्रिक है जेस्चर्स मेक्स कन्वल्सिव। कन्वल्सिव होता है जब दौरा पड़ना होता है, जैसे एपिलेप्टिक फिट होता है, इस तरह से दौरे पड़ते हैं, तो उस तरह के जेस्चर्स, हाथ हिलने, बाजू हिलने, टांगे हिलने, मुंह हिलना, ये कब कब होता है। कन्वल्सिव में 25 मेडिसिन्स हैं, लेकिन इसके नीचे तीन सब रूब्रिक्स हैं। ड्रिंक एट साइट ऑफ, जब देखता है कि पीना है, पानी पीना है, साइट होता है देखना किसी चीज़ को, तो क्या देखता है, पीना, जैसे पानी पीते हैं, उसको देखते सार ही इसको कन्वल्सिव जेस्चर्स ये करता है। ड्रिंकिंग एट साइट ऑफ, इसमें बेलाडोना एक ही मेडिसिन है। स्लीप ड्यूरिंग, जब सोया होता है, सोने के दौरान उसके जो जेस्चर्स होते हैं वो दौरे की तरह होते हैं, जैसे कोई फिट पड़ता है। इस रूब्रिक में हमारे पास 11 मेडिसिन्स हैं। इसी के नीचे एक और जो तीसरा सब रूब्रिक है, दैट इज थिंकिंग ऑफ मोशन व्हेन, जब मोशन के बारे में सोचता है
तब उसको कन्वल्सिव दौरे पड़ते हैं, जब गति के बारे में, चलने के बारे में, मोशन के बारे में सोचता है तब। तो यहां पर ऑरम एक ही मेडिसिन है। नेक्स्ट रूब्रिक है एंथुजियास्टिक। किस तरह के हाव भाव, किस तरह के अंग संकेत, जैसे बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक है, जोशीला है कि वाओ अब क्या करेंगे, बहुत ज्यादा जोशीला बंदा, इस तरह के उसके हाव भाव होते हैं। इस रूब्रिक में हमारे पास तीन एक्वापेट्रा रेयर मेडिसिन हैं, नाइट्रो ओ एंड थर्ड वन इज वर्बेना ऑफिशिनालिस, ये तीन मेडिसिन हैं। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा वेजेंट। जेस्चर्स में एक एक्स्ट्रा वेजेंट, एक्स्ट्रा वेजेंट होता है बहुत ज्यादा बड़े, जैसे किसी की शादी होती है बहुत ज्यादा पैसा खर्चा जाता है, हद से ज्यादा करोड़ों में अरबों में पैसा खर्च होता है, उसको एक्स्ट्रा वेजेंट बोलते हैं। जब बहुत ही ज्यादा कुछ हो तो यहां पे उसके जो जेस्चर्स हैं वो एक्स्ट्रा वेजेंट हैं, कुछ ज्यादा बड़े हुए हैं। तो इस रूब्रिक में हमारे पास चार मेडिसिन हैं, बेलाडोना, डेल्कामारा, सेट्रामोनियम, विरेट्रम। सो आज के रूब्रिक्स में बस इतना ही, कल हम फिर से जेस्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।